के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है। भाई बहनों, हम सब लोग 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कालखंड में 5वें नंबर पर हम पहुंच गए। आज विश्व के अंदर वही घटना होती है। एक समय था जब पूरी दुनिया के अंदर 2014 से पहले भारत एक डब्बू भारत और पिछलकू भारत के रूप में हमारी पहचान बन गई थी। भाइयों बहनों, आज उस डब्बू भारत और पिछलकू भारत से हमको बाहर निकालकर दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, विश्व के अंदर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया आज भारत के रूप का इंतजार करती है। कांग्रेस ने भारत की छवि खराब की है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ी है। मोदी जी ने हर गरीब के लिए, हर पिछड़े के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले को अपना परिवार मानकर, देशवासियों को अपना परिवार मानकर पूरा जीवन, अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण हम सब लोगों के लिए समर्पित कर दिया है, देशवासियों के लिए समर्पित कर दिया है। इसलिए अनेक योजनाएं उन्होंने देश के अंदर लागू की है। अभी भाई मनमोहन शुरू में बोल रहे थे, तब इन्होंने जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना, हमारी आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन की योजना, स्वच्छ भारत अभियान, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, लखपति दीदी योजना, ऐसी अनेक योजनाएं आज देश को समर्पित की है, जिसने हर गरीब के जीवन को आसान बनाया है, हर जीवन, हर गरीब के जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये योजनाएं कांग्रेस की जो कागजी योजनाएं होती थी, उन कागजी योजनाओं की तरह नहीं है, बल्कि ये सब योजनाएं मोदी जी की गारंटी है। भाइयों बहनों, और मोदी जी की गारंटी ही उनकी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। और ये सारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के करोड़ों करोड़ों जीवन, गरीब लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रही हैं। इन योजनाओं ने 25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को आज गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। इसके साथ साथ मोदी जी ने देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन निर्णय के बारे में देश आजादी से लेकर आज तक हम सब प्रतीक्षा करते थे कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। भाइयों बहनों, कोई भारत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कर पाया। पहली बार मोदी जी ने हिम्मत करी और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया, धारा 370 समाप्त कर दी, CAA का कानून लागू कर दिया, 3 तलाक का खात्मा कर दिया, और हमारे आप सबके आराध्यदेव जिनका हम नाम हर पल लेते हैं, हर क्षण लेते हैं। भाइयों बहनों, अगर हमको कोई परेशानी होती है, हमें कोई कष्ट होता है, तो हमारे मुंह से निकलता है राम राम। जब हम मिलते हैं तो भाइयों बहनों तब भी राम राम बोलते हैं, कष्ट में होते हैं तो भी राम राम बोलते हैं, जय राम, श्री राम, इस प्रकार का उच्चारण हमारे मन से निकलता है, हमारे मुंह से निकलता है। भाइयों बहनों, ऐसे प्रभु श्री राम, उनका मंदिर बनाने के लिए हमको इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ गई। भाइयों बहनों, अगर हम सबको भी फिर से त्रेता युग के बाद राम युग में आने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ये सौभाग्य देने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भाइयों बहनों, भगवान राम लला अपने घर में विराजित हो गए। ऐसे ही आज देश के अंदर अनेकों और निर्णय हो रहे। भाइयों बहनों, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूँ। अभी बच्चन जी बोल रहे थे, आदरणीय कृष्णपाल जी बोल रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। हमने उत्तराखंड में देवभूमि का मूल स्वरूप, आप सब जानते हैं देवभूमि अपने आप में एक अलग स्थान देवभूमि का होता है, एक देवभूमि का मूल स्वरूप होता है, वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। ये केवल उत्तराखंड